हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। पी ओ पी, प्लीज डोंट से प्रिंस ऑफ पर्सिया, इट्स ओनली प्लास्टर ऑफ पेरिस। एक चीज कहना चाहूंगा, इस वीडियो के बीच में मैं आप लोगों को इस टॉपिक से आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा, तो इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि प्लीज लास्ट तक पूरा देखना। सर, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड द केमिकल नेम इज कैल्शियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट। क्या बोलेंगे? कैल्शियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट और कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट। यू कैन सी यहां पर वाटर का हाफ मॉलिक्यूल है और इसीलिए हम इसके नाम को क्या बोलेंगे? हेमिहाइड्रेट और हाफ हाइड्रेट। केमिकली कुछ गलत सा लगता है कि यहां पर हाफ वाटर लिखा हुआ है, बिकॉज हम लोगों ने पढ़ रखा है मॉलिक्यूल्स जो हैं दे आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द होल नंबर्स। सर, यहां ऐसा क्यों है? एक्चुअली इन कैल्शियम सल्फेट क्रिस्टल वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज शेयर्ड बाय टू कैल्शियम सल्फेट मॉलिक्यूल्स। वन वाटर मॉलिक्यूल इज शेयर्ड बाय टू कैल्शियम सल्फेट मॉलिक्यूल्स और इसीलिए हम कह सकते हैं कि कैल्शियम सल्फेट का एक मॉलिक्यूल उसके हिस्से में कितना वाटर आएगा? हाफ। दैट्स व्हाई वी कॉल इट कैल्शियम सल्फेट हेमिहाइड्रेट। बात समझ में आ चुकी है? क्या कहेंगे? इन वन क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम सल्फेट टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम सल्फेट शेयर वन वाटर मॉलिक्यूल और दैट्स व्हाई वी राइट द फॉर्मूला पीओपी एज कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक से। अब हम बात करने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ पीओपी, पीओपी के फॉर्मेशन के बारे में। सर, कैसे बनाया जाता है? एक्चुअली कंपाउंड होता है CSO4.2H2O एंड इट्स नेम इज जिप्सम या फिर कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो व्हेन इट इज हीटेड अप टू 100 डिग्री सेल्सियस या हम कह सकते हैं अप टू 373 केल्विन, क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट, इट इज कॉल्ड पीओपी अलोंग विद वन एंड हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा आता है, व्हाट विल हैपन इफ जिप्सम इज हीटेड ओवर 100 डिग्री सेल्सियस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखेंगे इस चैप्टर का, इस टॉपिक का। व्हाट विल हैपन इफ जिप्सम इज हीटेड ओवर 100 डिग्री सेल्सियस। लुक बेटा, अगर इस जिप्सम को हम गर्म करेंगे अबव 100 डिग्री सेल्सियस, इट विल लूज ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहेंगे? इट विल लूज ऑल द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड फॉर्म्स डेड बर्न्ट प्लास्टर अलोंग विद टू वाटर मॉलिक्यूल्स। क्या कहा मैंने? पूरा का पूरा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लूज कर देगा एंड विल बिकम डेड बर्न्ट प्लास्टर, मरा हुआ जला हुआ प्लास्टर। एक्चुअली पीओपी की प्रॉपर्टी होती है, जब भी इसे वाटर में लाया जाता है ये हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है, हार्ड हो जाता है और इस डेड बर्न्ट प्लास्टर के अंदर वो प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं और इसी कारण से कहते हैं डेड पीओपी है, ये डेड बर्न्ट प्लास्टर है। अब हम बात करेंगे पीओपी की प्रॉपर्टीज के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाइट पाउडर है ये। सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि व्हेन इट इज मिक्स्ड विद वाटर, व्हेन इट इज मिक्स्ड विद वाटर
इट सेट्स इटसेल्फ इनटू ए हार्ड मास. वो हार्ड मास एक्चुअली क्या होता है? वो हार्ड मास क्या होता है? जिप्सम. When it is mixed with water, it sets itself into a hard mass called gypsum. फिर समझेंगे प्रॉपर्टी से. CaSO4 dot half H2O. ये क्या है? POP. When it is mixed with water, फिर से क्या बना लेगा? CaSO4 dot 2H2O. That is called gypsum. और यही होता है वो हार्ड मास. क्या होता है? हार्ड मास. आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी. क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई इज पीओपी कंटेन्ड और स्टोर्ड इन द एयरटाइट बैग्स और एयरटाइट कंटेनर्स. बिकॉज इट विल अब्सॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम एयर एंड गेट कन्वर्टेड इन टू हार्ड मास. दैट इज कॉल्ड जिप्सम. जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारे लिए बेकार हो जाएगा. इज दैट डन बच्चों? दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो यूज इन सेटिंग द फ्रैक्चर्ड बोन्स. जो हड्डियां, जब हड्डी टूट जाती है तो उसकी सेटिंग में पीओपी का यूज करते हैं. देखा होगा पट्टी बांधने उस पर वो व्हाइट सीमेंट जैसे लगाते हैं. वो पीओपी है. क्यों? क्योंकि पीओपी पर जैसे पानी डालेंगे वो जल्दी हार्ड हो जाता है और हमारी बोन्स जो है एक जगह पर सेटल हो जाती है. यूजेस ऑफ पीओ. इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं. फर्स्ट पॉइंट मैंने बता दिया. फर्स्ट पॉइंट मैंने अभी बताया आपको. इट इज यूज्ड इन सेटिंग ऑफ फ्रैक्चर्ड बोन्स. सेकेंड प्रॉपर्टी, यूज्ड इन मेकिंग सरफेसेस स्मूथ. सरफेसेस को स्मूथ बनाने का, बहुत दीवारें हमारी होती हैं जब नहीं बनती हैं तो वो एक्चुअली जो थोड़ी सी रफ साइड स्ट्रक्चर होता है. लेकिन जब पीओपी की कंप्यूटर पेंट कर देना, पीओपी की जब कवरिंग लगा दी जाती है, दे बिकम स्मूदर. डन बेटा? तीसरी चीज, यूज्ड एज ए फायर प्रूफिंग मटेरियल. Fourth, used for making toys, idols, etc. So this is all about the properties of PO.